मूव करा कर वहाँ रुक जाते हैं फॉर 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स रुकते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर 30 किलोमीटर पैदल लेकर आएंगे और फिर वापस 20 सेकेंड रुकेंगे और फिर वापस लेकर जाएंगे और फिर 20 सेकेंड इधर और फिर इधर 20 सेकेंड, ठीक है। चारों तरफ 30 के एंगल में आप लेकर जाते हैं, ठीक है, और आप उसके अंदर उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेगमस दोनों चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये 20 सेकंड्स का वेट जो है ये सेंट्रल एंड पेरिफेरल स्टेगमस को कवर कर दिया आपने, ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं फिशुला टेस्ट, फिशुला टेस्ट हम फिर 30 से ज्यादा करते हैं तो वो दूसरा आपने गेज स्टेगमस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, वो आ जाता है, वो नॉर्मल बंदे में भी आ जाता होता है, इसलिए हम इसे 30 के एंगल ही रखते हैं, ठीक है। 30 का पता कैसे चलेगा, 30 कैसे पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 90 है, जिसे अगर 300 में डिवाइड कर ले तो वो 30 अंदाजा हो जाता है। दैट इज नॉट परफेक्ट 30 बट आपको 25 इसमें रेंज में आपको अंदाजा हो जाता है, ठीक है। एंड देन आ जाता है आपका फिशुला टेस्ट, फिशुला टेस्ट अंदर आप क्या करते हैं कि इस ट्रैगस को आप दबा के जोर से और थोड़े देर और एज की तरफ ऑब्जर्व करते हैं, अगर उसमें स्टेगमस होता है तो वो आ जाता है। वर्टिगो, वर्टिगो भी पेशेंट को होता है, बिल्कुल। उसमें ये क्यों होता है, जब हम यहाँ से प्रेशर देते हैं तो पेशेंट को जो प्रेशर है वो कन्वे होता है, अगर एंडोलिम्फ तक है हमारे इसके अंदर और सेमी सर्कुलर नाल में प्रेशर जा रहा है तो वेस्टिबुलर को सिस्टम को कन्वे होता है और वहां से हमें वर्टिगो और साथ में स्टेगमस आ सकता है, ठीक है। ये दो चीजें होकर फिशुला टेस्ट हो गया, बाकी पार्टी थी बाकी तो प्रैक्टिकल में बाकी करवाते नहीं होते। अच्छा, अब आगे कुछ चीजें काम की गए, फेशियल नर्व चेक करना, फेशियल नर्व चेक करवाते होते हैं ईयर एग्जामिनेशन में, फेशियल नर्व चेक होते हैं, फेशियल नर्व में कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं और कुछ एग्जामिनेशन होते हैं। एक तो हम उस हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, क्या आपके मुंह में खाना तो नहीं इकट्ठा हो जाता, क्या एक साइड से कहीं से राड पकती तो नहीं रहती, क्या रात को सोचने में आपको ये तो नहीं कोई कहता कि आपकी एक आंख खुली रह जाती है, ठीक है। तो और इसके अलावा और मध्य का प्रबंध, मध्य प्रबंध वो हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन है, और क्या आपको ज्यादा तो नहीं सुनाई देता, यानी कि कम आवाज में बोले ऊंचा तो नहीं सुना था, हाइपर एकोस्टिक रिफ्लेक्स एंड हो जाता है ड्यू टू वो जो हमारा नर्व स्टेडी मसल की नर्व सप्लाई की वजह से लॉस की वजह से हाइपर एकोस्टिक रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है और हल्का सा भी बोलते हैं तो पेशेंट को ज्यादा सुनाई देते हैं, ठीक है। ये चार पॉइंट चाहिए, उसके बाद आप पेशेंट से कहते हैं कि आप अपने माथे पर बल डालिए ऐसे दांत है और उसके बाद जोर से आंखें बंद कीजिए और दांत दिखाइए, मुंह में हवा भरिए, ठीक है। ये पेशेंट का आता है और पेशेंट के दांत के बाद ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं तो ज्यादा तो नहीं सुनाई देता, आवाज हल्का सा करते हैं तो पेशेंट कहते हैं मुझे बहुत अच्छी आवाज आती है, क्लियर। ये पेशेंट अभी कुछ रिफ्लेक्स कैसे चेक करें सर, ये आपने जस्ट ऐसे किया ना पेशेंट को ऊंची आवाज आएगी, एक्चुअली होता क्या है कि साउंड तो बहुत ज्यादा आ रही होती है ना, स्टेपीडियस क्या करता है, स्टेपीडियस स्टेप्स को खींच के फोटो स्टेप्स पे लगा होता है ना, वो उसे खींच के उस साउंड को कम आगे ट्रांसफर करता है, उसकी बहुत माइन्यूट सी अमाउंट जो है ट्रांसफर होती है आगे और कुछ हो जाता है। जब वो स्टेपीडियस काम खत्म कर देता है तो ये जितनी भी साउंड है ये सारी की सारी कन्वे होती है, तो पेशेंट को लगता है ये साउंड को बेसिकली हमें नॉर्मल होता तो 20 डेसिबल की आनी थी लेकिन अब उसे 60 डेसिबल की साउंड सुनाई देगी, ये सारी की सारी पावर कन्वे हो गई है आगे, तो पेशेंट कहते हैं कि ऊंची सी आवाज आ रही है जैसे कोई गालियां मार, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रिफ्लेक्स चेक हो गया, जब पेशेंट नर्व आपकी चेक हो गई एंड देन फेस ऑफ फेस की हम चीजें वो करते नहीं होते, हम सिर्फ चार चीजें, हम चार चीजें अपने फेस के हवाले से और चार चीजें फेस के हवाले से ये करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है वरना हमारे डोमेन में नहीं आता हम उसको करते नहीं, तो वो बुक से पढ़ लीजिएगा जो भी चीजें एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। तो उसके अलावा हम अच्छा ये हो गया फेशियल नर्व का, और दूसरी चीज जब आपको एयर एग्जामिनेशन की कमांड मिले तो ये ऐसे नहीं करना, या तो एयर एग्जामिनेशन की कमांड मिले तो आप एयर एग्जामिनेशन के बाद आप कहेंगे कि सर आई ऑल्सो वांट टू चेक द फेशियल नर्व, ठीक है, तो आप फेशियल नर्व को एग्जामिन करेंगे उसमें अगर वो अलाउ कर देता है। तो सेम ऐसे ही जो भी रीजन आप कंप्लीट करते हैं एग्जामिनेशन का तो आप उसे कहेंगे सर आई ऑल्सो वांट टू पल्पेट द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है, क्योंकि इस एरिया को
जमीन जो सारा ड्रेन कर रहे हैं वो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स सब मेंटल सब मेंटल सब लिंगुअल हो गए और रोटेट हो गए, ये लिम्फ नोड्स जो है ये ड्रेन कर रहे हैं। तो आपका जो रीजन भी आप एग्जामिन करते हैं उसके एंट्रेंस के लिम्फ नोड्स आपने जरूर पेनिट्रेट करने होते हैं, तो आप उसे स्पेशल परमिशन भी मांगेंगे कि मैं लिम्फ नोड्स पेनिट्रेट करना चाहता हूँ, और सेकंड परमिशन आप मांगेंगे कि मैं इसके पीछे जाकर पेनिट्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लिम्फ नोड्स हैं वो फ्रॉम बिहाइंड बहुत अच्छे पेनिट्रेट होते हैं, ठीक है, तो इंटीरियर नहीं प्रिपेयर होते। अगर वो कहे कहा जी आप बैठ कर आप यहीं पर बैठ के प्रिपेयर करें तो यहाँ इंटीरियरली भी बैठ के प्रिपेयर हो जाएगा, सब ये होता है आप बैठे हुए ये आपने रखा, ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अमूमन कोशिश ऐसे किया करें कि बायलेटरल प्रिपेयर सर्वाइकल जो है वो बायलेटरल प्रिपेयर ना करें, क्योंकि बस एग्जाम मेरा माइंड करते हैं कि जी आप तो हम तो खैर ड्रामा ही कर रहे होते हैं ना हल्का हल्का, तो फिर रोटेट को आप लॉक में करते हैं, तो आप फिर ऐसे करें। समझ आ गई कुछ चीज पूछने वाली नहीं? अच्छा, लास्ट में रहकर थोड़ा दो चीजें आपको बता देता हूँ, एक इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी और एक डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, यानी कि डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी थिएटर में होती है। इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी बता देता हूँ और उसका ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन बता दूँ, ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन या ओरल फ्रेंस का एग्जामिनेशन, जस्ट आप टंग को प्रेस करते हैं सामने लाइट आते हैं और आपको सारे स्ट्रक्चर नजर आते हैं, क्या क्या डॉक्टर स्ट्रक्चर नजर आएंगे वो आपको पता है, ठीक है। अब उसके बाद रह जाती है क्या हुआ नेक्स्ट आने के लिए है, नेक्स्ट आने के लिए तो हो गया। अच्छा नेक्स्ट मैं किसी को नहीं बुला देगा, ठीक है, नेक्स्ट लड़कियों में से किसी को बुला देगा।